भाई फटी नोट तो बैंक में ले जाके दे दीजिए नई नोट मिल जाएगी इससे ये जुमला निकाला जाता है जो चीज़ ख़राब हो जाए उसको अल्लाह के रास्ते में दो जी नहीं कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी उसका क्या है देखो जो कुछ तुम खर्च कर रहे हो गंदी चीज़ मत खर्च करो क्योंकि वो खुद गंदी और ख़राब चीज़ बेकार चीज़ तुम्हें दी जाएगी तो तुम नहीं लोगे इल्ला के उसके लिए आँख मुंध लो आँख बन करके ले लो तो एक अलग बात है लेकिन जानते बूझते नहीं लोगे तो जब हम खुद नहीं लेते तो अल्लाह के घर में क्यों देते हैं अल्लाह को ऐसी नेकी पसंद है जी नहीं सही चीज़ दीजिए हम और आप जब कपड़ा ख़राब हो जाता तो दे देते दे गरीबों को ना जिस तरह नया हम पहन रहे हैं नया दीजिए जो चीज़ बच गया बोले ना इमाम साहब को खादिम साहब को मोजिन साहब को ले जाके दे दो ना जो हम खाते हैं वही देना पड़ेगा अल्लाह के रास्ते में देना है और अल्लाह के लिए देना है तो जो महबूब चीज़ हो वो दो लंग तनालब्रहत तातन फ़िकमत है जो पसंदीदा हो महबूब हो वही अल्लाह के रास्ते में देना है अल्लाह ने क्या कहा लंद तनाबिर ताफिक मातबून व मातनफिकन शय फ़ैन अल्लाह भई अलीम सुरालान सुर नंबर तीन आयत नंबर नाइन्टी टू जो चीज़ तुम पसंद करते हो जो चीज़ तुम्हें महबूब हो अच्छी लगे तुम्हें वही अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है तुम निकी को नहीं पा सकते यहाँ तक कि अपनी महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में न दे दो तुम जो कुछ भी खर्च करो अल्लाह ताली उसको जानता है इसलिए हमें और आपको सही चीज़ अल्लाह के रास्ते में दें अल्लाह ताला सही समझता फरमाय अमीर वालेक वरहल वबरकू